राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में सैनी समाज के लोगों ने ओबीसी में अलग से आरक्षण की मांग को लेकर सभा का आयोजन किया। मांग नहीं बनी तो आधी रात को अजमेर दिल्ली हाईवे पर हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने जाम लगा दिया, तो वहीं जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने मोर्चा संभाला। सैनी माली कुशवाहा समाज और राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के हजारों कार्यकर्ताओं ने ओबीसी में अलग आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार रात करीब 12 बजे दिल्ली अजमेर जयपुर सीकर हाईवे स्थित रोड नंबर 14 पर जाम लगा दिया। मौके पर करीब 2500 से 3000 लोग बताए जा रहे हैं। ये लोग रात करीब 1 बजे तक हाईवे पर ही जमा थे। आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज के विद्यानगर में दोपहर को सभा हुई थी। बैठक खत्म होने के बाद समाज के लोग हाईवे पर आ गए। ये लोग करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे पर स्थित रोड नंबर 14 पर पहुंच गए। पुलिस जब्ते में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन समाज के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन समाज के लोगों ने उनकी बात को दरकिनार करके इस दौरान दोनों हाईवे पर 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम लगा दिया। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा और कैलाश विश्नोई भारी पुलिस जब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन बात नहीं बनी। इससे पहले विद्याधर नगर स्टेडियम में इनका दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। शाम को समाज का प्रतिनिधि मंडल CMO भी गया था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। रात 12 बजे हजारों प्रदर्शनकारी सीकर रोड पर पहुंच गए और 14 नवंबर पुलिस के नीचे सीकर रोड जाम कर दिया। इसके बाद रात करीब 12 बजे दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे हाईवे पर भी बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।